इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली की, क्या कहें कि देश की सबसे बड़ी फूल मंडी यानी गाजीपुर पुष्प मंडी में हम मौजूद हैं। हम आप कैमरामैन को कहूंगा कि वो दिखाएं दूर तक, आपको विजुअल्स दिखाएं कि सुबह 8 बज चुके हैं और 8 बजे का टाइम ऐसा होता है जो कि पीक आवर्स में गिना जाता है। इस वक्त सबसे ज्यादा फूलों की बिक्री होती है, तमाम मंदिरों में दिल्ली के फूल सप्लाई होता है, गुरुद्वारों में फूलों की सप्लाई यहीं से होती है और इसके अलावा यूपी तक के कस्टमर्स यहाँ फूल लेने आते हैं। जो थोक विक्रेता है वो पहुंचते हैं क्योंकि देश भर से यहाँ फूल आते हैं और यहीं से सप्लाई किए जाते हैं। ये बेहद एक बहुत बड़ी मंडी है यहाँ पे जो दिल्ली के गाजीपुर में है, देश की सबसे बड़ी फूल मंडी इसे कहा जाता है। लेकिन जब से 500 और 1000 के नोट बंद हुए हैं तब से इस फूल मंडी पर कितना फर्क पड़ा है ये आज हम दिखाते हैं आपको। और सबसे पहले आपको लिए चलते हैं इस मंडी के आढ़तियों के पास जो कि यहाँ से फूल खरीदते हैं और फिर भारी मात्रा में उसे आगे के लिए बेचते हैं, तो उनसे जानते हैं कि नोटबंदी का उनके व्यापार पे कितना फर्क पड़ा है। आपकी फूलों की दुकान है, कब से आप यहाँ दुकान कर रहे हैं और आपसे जानना ये चाहेंगे कि 8 तारीख से पहले आपकी बिक्री कैसी होती थी और 8 तारीख के बाद जब से डिसीजन आया है कि 500 और 1000 के नोट बंद हुए हैं तब से क्या कुछ फर्क पड़ा है दुकानदारी पे। मेरा नाम श्याम सिंह सैनी है, मैं फ्लावर मार्केट के अंदर कमीशन एजेंट बैठा हूँ, आरती कमीशन के तौर पे काम करते हैं। यहाँ हम 6 साल से हमारी फतेहपुरी से मंडी शिफ्ट हुई है, तब से हमने पहली दफा देखा है ये करेंसी चेंज के चक्कर में हमारा फूलों का व्यापार जो है आधा भी नहीं रहा है। हम रोजाना माल खत्म करके जाते थे, अब यहाँ जो है 80-85% माल वापस पड़ा रहता है। किसान जो है अपने दूध के लिए, किसान की मजदूरी के लिए, किसान जो पैसा ले जाता है उनको खुला पैसा चाहिए। हमारे पास पैसा ना होने के कारण हर आदमी से परेशान है, हर काम से परेशान है। यहाँ जो है जब तक आदमी को रोजगार और पैसा सही तरीके से खुले रूप में नहीं मिलेगा, हम पुराने पैसे ले नहीं रहे हैं, नोट ले नहीं रहे हैं, तो इसलिए यहाँ का व्यापार बिल्कुल चौपट हो चुका है। इसलिए यहाँ जो है खुले पैसों की सबसे ज्यादा जरूरत है। जो मजदूर आता है वो भी खुले मांगता है, किसान भी मजदूर के लिए वापस खुले मांगता है और अपने घर के लिए भी, क्योंकि दूध का या कोई राशन लाना होता है तो उनसे बड़े नोट नहीं लिए जाते हैं, इसलिए वो हर आदमी खुले पैसे मांगता है। और खुले पैसे ना होने के कारण यहाँ का व्यापार जो है चौपट हो चुका है, यहाँ रोजाना का काम है। कहना ये है कि व्यापार चौपट हो चुका है, लेकिन व्यापार जो चौपट हुआ है उसके लिए आखिर कौन जिम्मेदार है, ये सबसे बड़ा एक सवाल खड़ा होता है कि बार बार ये कहा जाता है, हम देश भर से आपको मंडियां दिखा रहे हैं, चाहे वो अनाज मंडी हो, लोहा मंडी हो, सब्जी मंडी हो, कि जहाँ थोक की बात आ जाती है कि थोक में व्यापार होता है, वहाँ भला बड़े नोट अगर बंद हो जाए तो आखिर कैसे बात बन पाए। जो लोग ये एटीएम से 2000 के नोट निकालते हैं, बैंक से इन्हें 2000 के नोट मिलते हैं, उनका क्या फायदा है? आप देख सकते हैं सामान आया हुआ है, थोक में यहाँ फूल पड़े हुए हैं, लेकिन कस्टमर्स नहीं है, ग्राहक नहीं है, और ग्राहकों के लिए आज ये बाजार तरस रहा है। जिस बाजार में ग्राहक आते थे ये सोचकर कि जल्दी से जल्दी यहाँ पर पहुंचे ताकि जल्दी से जल्दी माल मिल जाए, आज ये बैठे हुए हैं वहाँ पे क्योंकि यहाँ ग्राहक नहीं है। आपसे जानते हैं कि क्या परेशानी आपको? खुले पैसे की परेशानी, सारी खुले पैसे नहीं मिलते इसलिए ग्राहक ही नहीं है मंडी में, बहुत परेशान है, बहुत हानि है। रोज के रोज 1000, 2000, 3000, 4000 रुपए घटा रहे हैं, रोज घाटे में कर रहे हैं सारा कुछ। कितने सुबह कितने बजे तक आपका माल बिक जाता था और अब कितने बजे तक आपको बैठना है? हमारा माल बिक जाता था 9 बजे तक, अब बैठते हैं 12 बजे तक, जब भी नहीं बिकता फिर भी बासी माल रखना पड़ता है। तो देखिए फूलों के साथ समस्या सबसे बड़ी ये है कि फूल टिकाऊ ज्यादा नहीं है क्योंकि कुछ दिन बाद ही ये खराब होना शुरू हो जाता है। ऐसे में गाज गिरनी इन लोगों पर लाजमी है कि बार बार ये लोग इसी बात से परेशान है कि आखिर करें तो क्या करें। जैसा कि मोहतरमा ने हमें बताया कि फूलों के लिए 12 बजे तक बैठती हैं, लेकिन कशमकश देखिए कि 12 बजे तक इंतजार करने के बाद भी ग्राहक नहीं आते। और ग्राहकों का कहना यह है कि मंडी वाले हमसे खुले पैसे नहीं लेते, तो हम करें तो क्या करें, परेशानी सबसे बड़ी ये है। कुछ और लोगों से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि वो किस चीज के लिए परेशान है। हाँ जी, आप हमें बताएं कि आप यहाँ पे पहुंचे हैं मंडी में फूल बेचने के लिए, तो क्या समस्या है आपके सामने आ रही है? कोई समस्या नहीं है, खुलने के लिए थोड़ा समस्या है, बाकी कोई परेशानी नहीं है। जो ये सरकार ने जो एक फैसला लिया है नोटबंदी का, क्या आप इसके पक्ष में है? हाँ, पक्ष में है, सही है, और क्या, इस सरकार का पक्ष में है, सही कर रहा है काम, सही कर रहा है। चलिए देखो
यहाँ आपको दो तरह के पक्ष मिल जाएंगे इस मंडी में देखने के लिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि खुलेआम विरोध भी कर रहे हैं, तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनका कहना यह है कि अच्छा फैसला है और हम इनके पक्ष में हैं। ये कुछ और ब्रीड्स हैं। अक्सर ये जो फ्लावर्स है ये बाहर का फ्लावर है और ये शायद यहाँ का नहीं है, लेकिन खुद इनसे ही जानते हैं कि कहाँ से फूल खरीदते हैं और क्या समस्याएं इनके सामने आ रही है। आप जरा भाई इधर आए और थोड़ा हमें बताएं कि ये कट फ्लावर्स का आप बिजनेस करते हैं, कट फ्लावर्स के इस वक्त सबसे ज्यादा बड़ी चुनौती क्या है आपके सामने? सर, कट फ्लावर्स की चुनौती एक तो सीजन, अभी हमारे पास सीजन में इस टाइम फ्लश जो फ्लश बहुत ज़्यादा आती है इस टाइम पे आके, और एक इस टाइम अभी कुछ शादियों में रुकावट आ रही है, कुछ कैश की प्रॉब्लम्स हो रही हैं, लेकिन एक अभी स्लाइडली मतलब कुछ टाइम के लिए, एक बहुत लंबा टाइम हमें नहीं लगता कि बहुत लंबे टाइम तक ये प्रॉब्लम रहने वाली है। हाँ, कुछ कैश फ्लो हमारे यहाँ कैश में फ्लो में कोई दिक्कत नहीं आ रही है फिलहाल, कि कैश फ्लो की हमारा फूल नहीं बिक रहा। हमारी जो फूल ना बिकने का बेसिक रीजन है, 50% डाउन मार्केट, 50% अगर कस्टमर का सामान 50 पे है, अगर हमारा जो सीजन डाउन है उसका रीजन है ज्यादा फ्लश आना, इनकमिंग ज्यादा है आउटगोइंग कम है, और जिसका रीजन हमारा सीजन है, इस सीजन पर फ्लश जो फ्लावर्स का जो प्रोडक्शन है बहुत ज्यादा आ रहा है, और शादियों में कुछ रुकावट होने की वजह से, कैश का फ्लो कम होने की वजह से शादियों में रुकावट आई, जिस वजह से बाजार गिरा है, डाउन हुआ। तो बाजार गिर चुका है, आपको बता दें कि ये पीक टाइम मोदी जी के साथ है। हर हर मोदी, घर घर मोदी, मोदी मोदी मोदी। देखिए, परेशानी जरूर है लेकिन समर्थन पूरा है सरकार के लिए, कि सरकार ने जो फैसला लिया है वो सोलाने सच्चा है। ये भाई साहब भी कुछ कहना चाहते हैं, इनकी भी सुन लेते हैं, ये भी बहुत देर से कुछ कहना चाहते हैं, इनकी भी सुन लेते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। पैसे काटने के लिए परसों मेरे सामने अपने ही पैसे काटने के लिए, मैंने मोदी को वोट दिया है, अपने पैसे काटने के हाथ में लठ बज रहा है, अपने पैसे बैंक में निकालने का थोड़ा शांति रखो, मेरे सामने लठ बज रहा है एक आदमी के ऊपर, तो फैसला तो निहायत गलत है। 1 लाख रुपए जेब में, 3 आलू मांग के खाए नीचे से, 2 टाइम की सब्जी बनाकर, 1 लाख रुपए जेब में, इससे बुरा और क्या होगा। मेरी जेब में 1 लाख रुपए रखकर रोटी नहीं खा सकता, मेरा दामाद वहाँ एडमिट है, मेरा तभी उनका फोन आया, जी पुराने पैसे चले, आप पैसे लेकर आना, तो इससे बड़ी संकट की घड़ी कुछ नहीं हो सकती, बेहद दुख की बात है। तो देखिए, परेशानी इन लोगों के लिए भी है जिन जो जैसा कि भाई साहब ने भी बताया कि मरीज अस्पताल में है, जेब में 1 लाख रुपए है लेकिन खाना तक नहीं खा पा रहे, तो भला इससे बुरा क्या होगा। ये फूल मंडी जो है ये अब एक अड्डा बन चुकी है इस तरह के लोगों का, जो जिनमें कुछ लोग विरोध करने वाले हैं तो कुछ लोग समर्थन करने वाले हैं। एक बार फिर कहूंगा आपको कि दूर तक आपको ये विजुअल्स दिखाएं कि जो मंडी कभी खचा खच भरी रहती थी, जहां पैर रखने की जगह नहीं होती थी, आज वो ग्राहकों के लिए तरस रही है। कुछ किसान भाई आप हमारे साथ अभी हैं जिनका फूल यहाँ पे आता है बाजार में, उनसे जानते हैं, आप यहाँ फूल लेके आते हैं? पल्लेदार है। किसान आप में से कौन है? भाई साहब असली ढेर पे नहीं आ रहे। नहीं नहीं, आप में से किसान कौन है? मैं क्या कर रहा हूँ, आप असली ढेर पे आओ, तो ये अब ये मंजर आपने देखा, लोग कैमरे पर अपनी बात कहना चाहते हैं लेकिन आखिर किस किस को मौका दिया जाए। मंडी में इस वक्त हजारों लोग मौजूद हैं, तो किस किस को मौका दिया जाए, हर कोई अपनी समस्या यहाँ पे बताना चाहता है ताकि वो समस्या मीडिया के माध्यम से सरकार तक पहुंचे और सरकार इसका जल्द से जल्द कोई समाधान करे। लेकिन सबसे बड़ी कश्मकश देखिए कि समाधान अभी फिलहाल किसी के पास नहीं है, ना बैंकों के पास कोई समाधान है और ना ही सरकार के पास कोई समाधान है। मीडिया का एक जिम्मेदारी है कि लोगों तक की बात ऊपर तक पहुंचाना, जो कि कोबरा पोस्ट लगातार आपको दिखा रहा है कि लोगों का क्या दर्द है, लेकिन समाधान नहीं दे सकता आपको। कैमरामैन कमलेश कमल के साथ दिल्ली गाजीपुर से गौरव सिंह, कोबरा पोस्ट के लिए।